हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कैसे रखें अपने आप को एकदम फिट। लालच और आलस इंसान की सेहत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो हर इंसान के पास है। और आपके शरीर की फिटनेस इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास लालच और आलस कितनी मात्रा में है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खाने की लालच की और एक्सरसाइज करने की आलस की। हम अक्सर रात में अलार्म लगाकर सोते हैं कि सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन हमारी नींद हमारी सेहत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं। हमारा खाने का हिसाब भी एकदम उल्टा है, उसमें हम कभी भी आलस नहीं करते हैं, बस जो मिल जाए चटपटा तीखा मीठा बिना सोचे समझे खा लेते हैं। हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करो या फिट रहना है तो चटपटा तीखा मीठा बिल्कुल मत खाया करो। इसके अलावा भी कुछ विकल्प हैं जिन्हें अपनाकर आप फिट रह सकते हैं, बस इसके लिए अपने लालच और आलस को थोड़ा कम करना होगा। वो कैसे? अगर आप रोज़ सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर सकते तो दिन भर के छोटे छोटे काम खुद करें, जैसे बाजार से सब्जी ले आना, बैठे बैठे पानी मांगने की बजाय खुद उठकर पानी पीना, कपड़े धो लेना, सफाई कर लेना, लिफ्ट और एलिवेटर की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, काम स्कूल या कॉलेज से घर आते वक्त थोड़ा पैदल चलना आदि। इन कामों से आपके दिन भर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप फिट भी रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा मीठा डायबिटीज़ और मोटापे को जन्म देती है। हम सोचते हैं कि आज के बाद मीठा नहीं खाएंगे, कुछ दिन अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन फिर मन ललच जाता है। तो अब क्या करें कि स्वाद भी लिया जाए और हेल्थ भी ठीक रहे? ये सच है कि चीनी और नमक के बिना नहीं रहा जा सकता, लेकिन मीठा और नमकीन कम खाने से आपकी हेल्थ जरूर ठीक रह सकती है। यानी अगर आप चाय में 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो उसे आधा कर दें, थोड़े दिन आपको चाय फीकी महसूस होगी लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। इसी तरह अगर हफ्ते में 1 बार मिठाई खाते हैं तो इस आदत को बदल कर 2 हफ्ते में 1 बार खाएं। समोसे, कचौड़ी, चाउमीन या कहें जंक फूड लोगों के सबसे पसंदीदा होते हैं। इन्हें देखते ही मुँह में पानी आ जाता है और दूर नहीं रहा जाता। आप चाहे इसे चाह कर भी पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को रोजाना या 2-3 दिन में न खाकर हफ्ते में 1 या 2 दिन खाएं, जैसे रविवार या शनिवार को। इनका सेवन रोज करने से आपके शरीर को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाने से न आपकी हेल्थ को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और साथ ही स्वाद भी मिल जाएगा। इस तरह आप अपने डाइट को मेंटेन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर मैं फिर से वापस आऊँगा।